राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज राजधानी व्यू। सीधी शहडोल में भरे हुंकार। किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान चौधरी, बाली सिंह, संरक्षक रमेश कसाना, यज्ञ नारायण तिवारी, राष्ट्रीय सदस्य मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कुश सिंह गहरवार, उपाध्यक्ष गंगा पांडे जी, प्रदेश सचिव तेज बहादुर सिंह परिहार, सीधी जिला अध्यक्ष शेषमणि शुक्ला एवं अमित शर्मा कार्यक्रम शहडोल जिला में रखे, जिसमें किसानों की समस्या को प्रमुख जोर दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा यह कहा गया, जन जमीन हमारी है, नहीं है किसी की बात की समस्या। किसानों का आह्वान किया और अपने अधिकार को जगाने की जरूरत है और दिल्ली से लेकर पूरे भारत में हम किसानों का सहयोग करेंगे। जहां जहां उद्योग लगा है किसानों के साथ छलावा किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार अंधी है, बहरी है, गूंगी है, दिखाई नहीं देता है। पहले वादा 2 लाख रुपए करने की बात कही थी, अपने वचन पत्र में आज हुई है, भूल गई है। और रमेश कसाना जी, अमित शर्मा जी समस्त लोग जनता का आह्वान किए हैं। मोहताज नहीं है किसी पार्टी का, ये बिकने वाला झंडा नहीं है। जो आज इसके साथ कल उसके साथ होगा, ये किसान का ताज है, किसान का मान सम्मान है। आप इस टोपी को लेके किसी भी जिला अधिकारी के दफ्तर में, किसी भी पुलिस प्रबंधक के दफ्तर में या किसी भी बिजली विभाग के दफ्तर में बैठ जाइए और कह दीजिए कि जब तक हमारे कार्य नहीं होंगे हम यहाँ से निकलने वाले नहीं है। उनको उन्हीं के दफ्तर में बंद कर दीजिए, उनकी लाइट काट दीजिए और कहिए कि किसान मजदूर के बेटे का कार्य होना चाहिए। अगर आप इस चीज में पीछे हट गए और आज दबे अपनी मांगों को लेकर आज अपने घर में चुप बैठ गए, तो आने वाली नस्लें आपसे जवाब मांगेंगी, आने वाली पुश्तें आपसे जवाब मांगेंगी कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या किया। अभी तो शुरुआत है, अमित भाई ने एक अलग जगाई है, इस अलग में अपनी आहुति दे दें, इस हवन में अपनी आहुति दे दें और अपने आप को स्थापित करने के लिए अड़ जाएं और फिर जाएं। यहाँ वरिष्ठ सभी लोग अपने वचनों से कुछ हम सबको मार्गदर्शन देंगे, हमें आप सभी के मार्गदर्शन को ग्रहण करना है। आशा करते हैं आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। जैसा कि हमारे यज्ञराज जी राष्ट्रीय कार्यकर्ता सदस्य हैं, अभी आप सभी लोगों को कुछ बातें बताएं। आपके मध्य प्रदेश में यहां पूंजीपति आते हैं, बाहर से आते हैं और उद्योग लगाते हैं और 2 करोड़ के भाव अपनी जमीन को खरीद लेते हैं, हम लोगों को बड़ी बड़ी लालच देते हैं। लालच क्या देते हैं? लालच तो पहले देंगे, पहले तो आएंगे तो यहाँ के जो बड़े हैं, जो चमचा लोग हैं, उनसे संपर्क करेंगे और हम आपके बीच में फूट डालने का प्रयास करेंगे। और हम लोग समझ नहीं पाते हैं, आपस में लड़ भिड़ जाते हैं, यह समझने की जरूरत है। आज उसको अगर कर रहा है कल किसी और को करेगा। और हम लोगों को पहले नौकरी की लालच देते हैं, नौकरी देंगे, अधिक से अधिक आपको पैसा दिया जाएगा, जबकि सही मूल्य नहीं दिया जाता है। हम लोग तो उससे हानि क्या होती है और फायदा क्या होता है? हम लोग अपनी जन्मभूमि को कुछ ही पैसों में बेच देते हैं और बाद में हमें सीधी से। ब्यूरो चीफ तेज बहादुर सिंह परिहार की रिपोर्ट। राजधानी ब्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज राजधानी ब्यू।